नमस्कार, मैं शोएब गाजी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में दिल्ली निर्भया कांड जैसी घटना से हड़कंप मच गया। किशोरी के साथ बलात्कार के बाद घिनौनी हरकत की गई। मामला हमीरपुर जनपद के चिकासी थाना क्षेत्र के ग्राम इस्लामापुर का है, जहां पर एक 12 वर्षीय किशोरी के साथ पहले बलात्कार किया गया, जिसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। यह सूचना के बाद पहुंची पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। सूचना मिली थी कि यहाँ के एक गांव पे एक लगभग 12 वर्षीय बालिका की हत्या कर दी गई है। इस संबंध में मौके पे थाने की टीम आई और यहाँ पे खोजबीन इस संबंध में की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड के द्वारा भी निरीक्षण करवाया गया है। कुछ संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है और हमारी टीमें यहाँ काम कर रही हैं। यहाँ 5 अलग अलग टीमों को इस घटना के वर्कआउट में लगाया गया। उम्मीद है जल्द से जल्द घटना का अनावरण होगा। देश और दुनिया में इंसान के अंदर अब केवल एक ही खौफ है, वो है चीन की घातक महामारी कोरोना वायरस। यूपी के हमीरपुर में मुंबई व सूरत से आए लोग जैसे ही बस स्टैंड पर पहुंचे, लोग देख कर डर गए। तत्काल पुलिस ने बस स्टैंड पहुँच कर सवारियों को बस से उतरने पर प्रतिबंध लगा दिया। मौके पर पहुंचे RTO ने प्राइवेट बस का चलान कर दिया। स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर बिना किसी जांच पड़ताल के बस को जाने दिया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने देश में बढ़ते कोरोना वायरस को रोकने के लिए देश के तमाम शहरों में लॉकडाउन कर दिया है। इस निर्देश को पालन करते हुए गोरखपुर के पुलिस कप्तान सुनील गुप्ता ने जनता से आवेदन करते हुए कहा कि सरकार के निर्देश का पालन करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस महामारी से लड़ने के लिए सभी लोग सहयोग करें, आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी सुबह 9:30 बजे तक ही करें। गोरखपुर को 25 तारीख तक के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया है। लोगों से यही गुजारिश है कि जो अपना जरूरी सामान है उसके लिए केवल कम से कम लोग बाहर निकलें और सुबह 9:30 से पहले पहले ले लें। सुबह के लिए थोड़ी सी छूट दी गई है, 9:30 के बाद कंप्लीट शटडाउन रहेगा और अगले दिन सुबह 6 बजे से पहले नहीं खुलेगा। कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन और सरकार अथवा प्रशासन के निर्देशों का गलत तरीके से प्रचार प्रसार करने, साथ ही विरोध करने अथवा मजाक बनाने वाले लोगों को चिन्हित करके चिकित्सालय बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में मरीजों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जिला अधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने बताया कि अफवाह फैलाने वालों को अंकुश लगेगा, साथ ही उनके जज्बे और हिम्मत इस विषय परिस्थितियों में जनसेवा के रूप में बेहतर उपयोग किया जा सकेगा। बस्ती में कोरोना वायरस से रोकथाम एवं बचाव के लिए जिला अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि बाहर से आए हुए व्यक्तियों की सूचना सभी लोग जिला कंट्रोल रूम के फोन नंबर पर दें। साथ ही उन्होंने कहा कि रैपिड रिस्पॉन्स टीम ऐसे व्यक्तियों के घर जाकर उनका मेडिकल चेकअप करेगी और इलाज करेगी। उन्होंने बताया कि इस टीम में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ एवं लेखपाल और पुलिसकर्मी भी शामिल होंगे।